शामली के 2.5 फीट लंबे अजीम मंसूरी की शादी के बाद अब रायबरेली के मोहम्मद शरीफ जिला प्रशासन शादी कराने की गुहार लगाई है। शरीफ ने जिलाधिकारी को अपना निकाह सामूहिक विवाह के दौरान कराए जाने और आर्थिक मदद करने की मांग की है। बताते चलें कि वहीं जिलाधिकारी ने शादी कराने का आश्वासन भी दे दिया है। उत्तर प्रदेश में इस समय शादियों का समय चल रहा है। हाल ही में शामली के 2.5 फीट लंबाई वाले अजीम मंसूरी की शादी ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी। इस कड़ी में रायबरेली के 2.5 फीट लंबे मोहम्मद शरीफ के दूल्हा बनने और शादी करने के अरमान जाग गए हैं। 2.5 फीट के मोहम्मद शरीफ जिला प्रशासन से घरवाली की व्यवस्था कराए जाने की गुहार लगाई है। शरीफ ने जिलाधिकारी से अपना निकाह सामूहिक विवाह के दौरान कराए जाने के साथ आर्थिक मदद किए जाने की मांग भी की है। बताते चलें कि डीएम ने भी शरीफ के प्रार्थना पत्र को गंभीरता से लेते हुए मामले को एडीएम को सौंप दिया है। दरअसल जिले की महाराजगंज तहसील के रहने वाले मोहम्मद शरीफ का शारीरिक विकास नहीं हो सका है। 40 साल की उम्र पहुंचने के बाद भी शरीफ महज 2.5 फीट के ही है। शरीर का विकास न होने के कारण शरीफ कोई काम नहीं कर पाते। कोई काम धाम न करने के चलते परिवार वालों ने शरीफ को घर से बाहर निकाल दिया। बताते चलें कि इस पर शरीफ ने काफी पहले प्रशासन से आवास की गुहार लगाई थी। इस पर जिला प्रशासन ने उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर तो दे दिया, लेकिन यहां शरीफ को अकेलापन कचुटने लगा था। इसी को दूर करने के लिए शरीफ एक साथी की इच्छा के साथ जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के चौखट पर गुहार लगाने पहुंच गए। मोहम्मद शरीफ ने जिला प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि वह शारीरिक रूप से अविकसित होने के चलते काम काज करने में असक्षम है। किसी तरह रिश्तेदार या जानने वाले उनके पेट भरने का इंतजाम तो कर देते हैं। उन्होंने अब जिला प्रशासन से रोटी के साथ ही रोटी पकाने वाली दिलाए जाने की गुहार भी लगाई है। मोहम्मद शरीफ ने जिलाधिकारी से मांग की है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं में से उनके लिए उपयुक्त योजना से आर्थिक मदद के साथ ही उनका निकाह भी कराया जाए। जिलाधिकारी ने मोहम्मद शरीफ के प्रार्थना पत्र को एडीएम प्रशासन के हवाले करते हुए उस पर कार्रवाई करने का निर्देश भी दे दिया है। क्या मांग है उनकी, उस पर क्या विचार किया जा रहा? शरीफ जी के द्वारा जनता दर्शन के दौरान अपने शादी और आर्थिक सहायता के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें सामूहिक विवाह जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है, उसमें उनके द्वारा अपने शादी के संबंध में साथ ही साथ नियमानुसार किसी शासन के कल्याणकारी योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता हेतु आवेदन किया गया है, जिसमें नियमानुसार जांच करके कार्रवाई